होगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा, रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, प्रोडक्ट मटेरियल को बेचने की जरूरत होगी, ट्रेड हुआ, स्टार्ट हुआ एंड हैड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड एंड कल्टीवेशन एंड दे वर इस तरीके से जो मतलब जो एग्रीकल्चर थी उसका भी कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुआ, कॉमर्शियल फसलों का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और इस तरीके से बच्चों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर्ड। स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में देखें तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेरी वीक इंडस्ट्रीज या वेरी वीक कंपनीज, वेरी वीक प्रोडक्शन यूनिट्स वर स्टार्टेड टू। और इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग होती है वो हमें इंग्लैंड से दिखाई देती है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एमर्जेंस ऑफ द नेशनलिज्म और फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े शहरों का ओरिजिन हुई, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ी, ट्रेड इंपॉर्टेंट हुआ, सरकारों का डेवलपमेंट हुआ, एक बड़े बड़े एरिया की कॉमन करेंसी, एक लोग दूसरों, एक माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, ट्रेड जाना शुरू किए। इंडिया का जो नेशनलिज्म की स्टार्टिंग है बेटा, नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन है, वो बहुत ज्यादा कॉलोनिज्म रूलर की वजह से हुआ। सब ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर एक्सप्लॉयटेड बाय द कॉलोनियल रूल बाय ब्रिटिशर्स, दैट्स व्हाई द रीजन दे कम टू एंड कॉन्टैक्ट, दे यूनाइट हुए और यूनाइट होना ही एक तरीके से फीलिंग्स ऑफ द या जनरेशन ऑफ द नेशनलिज्म होता है। तो मिडिल तो बच्चों एक तरीके से जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर्ड हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद बच्चों एक जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था उसकी डोमिनेंसी थोड़ी कम हुई और सोसाइटी में एक न्यू सोशल ग्रुप ओरिजिनेट हुआ जो कि आप ट्रेडर्स ग्रुप था या जो लोग इंडस्ट्रीज ग्रुप था, वर चैलेंजिंग टू द जो चैलेंज कर रहे थे टू द एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप को एंड दे एक न्यू सोसाइटी, एक न्यू क्लास का जनरेशन हुआ और जो ट्रेडर्स लोगों का जनरेशन हुआ हु वर ट्रेडिंग द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड फाइनेंशियली दे स्टार्टेड टू चैलेंज द एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप। तो इस तरीके से बच्चों इस तरीके से 18th सेंचुरी में बट इन द स्पिरिट ऑफ द फ्रांस एंड हाँ पहले मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग हुई वो सबसे पहले इंग्लैंड से हुई और फिर ये धीरे धीरे करके यूरोप के डिफरेंट पार्ट फ्रांस वगैरह में भी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। और स्टेट ऑफ द 19th सेंचुरी एज द रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन groups of came, एक new groups came into the existence which come to know as a middle class या industrious groups which come from the poor societies and traders groups who came from the poor groups and but now they were challenging in the finance as well as the status of the society to the landed aristocracy। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों society में एक major changes आना start हुए और जब ये मेजर चेंजेस आने स्टार्ट किए तो दे स्टार्टेड जो बेटा सोसाइटी में इंडस्ट्रियल ग्रुप या इंडस्ट्रीज की ओरिजिन हुई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मैंने बताया कि मिडिल 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्ट अकर्ड हुआ। स्पेशली कहां से अकर्ड हुआ बच्चों, इंग्लैंड से हुआ बाद में कहां पर फैला, फ्रांस में फैला। इससे सोसाइटी में एक न्यू ग्रुप की ओरिजिन हुई, इन द सोसाइटी में एक नया ग्रुप ओरिजिनेट हुआ जिसे हम लोग मिडिल क्लास कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें ट्रेडर्स भी थे, ट्रेड जो कि हुआ सप्लाइंग टू द रॉ मटेरियल एंड इंडस्ट्री से प्रोडक्ट मटेरियल को डिफरेंट मार्केट्स या डिफरेंट कंट्रीज के लिए सप्लाई करते थे। तो इस तरीके से एंड दे नाउ स्टार्टेड द लिबरलिज्म, अब उन्होंने वो कड़े नियमों को, वो जिस नियमों के थ्रू एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स की व्यवस्थाएं थी, एरिस्टोक्रेटिक लोग एंजॉय कर रहे थे डिफरेंट पावर्स को, डिफरेंट राइट्स को और मोस्ट ऑफ पीपल वर लिविंग द लाइफ ऑफ टेनेंट स्लेव, उसको उन्होंने चैलेंज करना स्टार्ट किया और उन्होंने लिबरलिज्म की डिमांड किया। तो जो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, एक आइडियोलॉजी की डिमांड हुई और वो आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। तो लिबरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट की ओरिजिन हुई, एक लिबरल नेशन स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म मींस की स्टार्टिंग हुई, जहां पर लिबरलिज्म का मतलब हुआ था बेटा, लिबरलिज्म वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड के लिबर वर्ड से जनरेट हुआ है, लाइबर वर्ड से जनरेट हुआ है जिसका मतलब ही होता है फ्रीडम। और इस तरीके से लिबरलिज्म की डिमांड होना स्टार्ट हुई, यानी हर इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल पर्सन ने अपने आप को एक तरीके से लिबरलिज्म की डिमांड किया। तो इस तरीके से लिबरलिज्म कहा जाता है
फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम्स की डिमांड स्टार्ट हुई कि हर बंदे को एक बेसिक फ्रीडम्स मिलनी चाहिए और एक सोसाइटी रूल नहीं करेगी. पर्सन इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी, दैट्स व्हाई द रीजन फ्रीडम शुड बी प्रेजेंट, फ्रीडम शुड बी अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ द पर्सन. तो इस तरीके से बच्चों पोलिटिकल लिबरलिज्म की सबसे पहले डिमांड होती है. पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, 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 पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है. तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन क्या होता है. तो पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स. इक्वल राइट्स मतलब एवरीवन शुड बी हैव द राइट्स इंडिविजुअल लेवल पर. इंडिविजुअल पर्सन शुड बी द यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन एंड ही शुड हैव ऑल्सो द पर्सनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स. एज यू नो दैट फ्रांस के पॉलिटिकल अगर हम बातें करते हैं तो जैसे इक्वलिटी वॉज एस्टेब्लिश, जब हम फ्रांस की बातें करते हैं तो इक्वलिटी वॉज एस्टेब्लिश बाय द नेपोलियनिक कोड, सिविल नेपोलियनिक कोड 1804 की बातें हम कर रहे हैं. तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, तो 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन की बातें होने लगी. और ऑल्दो नेपोलियन ने भी इक्वलिटी तो एस्टेब्लिश किया था, इक्वलिटी तो दिया था, बट उसने इक्वलिटी मेन एंड वोमेन के बीच में नहीं, मेन एंड वोमेन की वोमेन लेवल की फ्रीडम नहीं दिया था. या हम यूरोप की बातें करें बेटे, यूरोप में पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन की बातें करें, ऑल्दो यूरोप में बेटे ये कहा गया कि आप वोटिंग सिस्टम्स होगा और एवरीवन शुड हैव द कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एवरीवन शुड हैव द पॉलिटिकल राइट्स. और यूरोप में सबसे पहले कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी आई और वहां पर वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ. लेकिन वहां की वोटिंग सिस्टम भी डिफेक्टेड थी बेटे, क्योंकि वहां पर जब पहली बार वोटिंग सिस्टम दी गई तो दैट वॉज गिवन to those persons who were owning the property and the person who was not owning the property has not given the rights of the own. And especially women's group ko to diya bhi nahi gaya because women's were just like as a property of their fathers when they were girls. They at that time they were under the their fathers. They have to they have not the right to take their decisions of their life. They have to live in very childhood in under his father. And after growing up, after marriage, they have to ठीक है अपने हस्बैंड्स के अंडर कंट्रोल में उन्हें. And after that, when they becomes very old, they have to live in the control of their child son. उनके कंट्रोल में. तो बेटे मैं बता दूं कि यूरोप में जो लिबरलिज्म तो आया, लेकिन स्टार्टिंग के लिबरलिज्म में हम ये नहीं कह सकते कि दे हैव यूनाइट, मतलब एक तरीके से उन्होंने यूनिवर्सल सफरेज नहीं इम्प्लीमेंट किया, सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया. और वो मतलब जो प्रॉपर्टी ओन करते थे या पुअर लोगों को, स्पेशली वोमेन्स ग्रुप को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिला. और उसका रीजन था क्योंकि उनको एक फ्री पोजिशन माना ही नहीं जाता था. उनको माना जाता था कि दे आर लिविंग लाइफ अंडर द मैन एंड उनकी अपना कोई मतलब फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है. दे वेर जस्ट लाइक एज ए सबॉर्डिनेट ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बींग, मैंस का एक सबॉर्डिनेट ग्रुप था. तो इस तरीके से हमारे कहने पर लिबरलिज्म तो आया, लेकिन लिबरलिज्म एकदम बेस लेवल पर लिबरलिज्म नहीं आया जिस लिबरलिज्म की आज हम बातें करते हैं. तो इसके बाद जो पोलिटिकल लिबरलिज्म, मुझे लगता है मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग इकोनॉमिक लिबरलिज्म और वीनर ट्रीटी को अगले वीडियो में कम्प्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.